बिहार पुलिस का भी हम भी एग्जाम दिए थे, पेपर लिख हो गया, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। जब वहाँ भरा रिक्त स्थान को भरा ही नहीं जा सकता है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं भरा जा रहा है। युवाओं को चाहिए रोजगार, जो अभी बिहार में बुरी तरह से बहुत गड़बड़ी चल रही है। जी के पाठक सर का तानाशाही रवैया सिर्फ एक ही जगह खराब है, जो भी पर्व त्यौहार है तो उसमें टीचर लोग को जो बुला दे रहे हैं उनके ही परिवार हैं। बिहार में तो पूरी तरह से रोजगार अभी नहीं मिल रहा है, जैसे यूपी में, यूपी टीचर के मामले में तो बहुत रोजगार दिए हैं। 5 साल लोग वैकेंसी के इंतजार करते करते होता है तो लास्ट में जा करके जैसे आए युवा है वो युवाओं को रोजगार देंगे। जहाँ तक अभी जो है वैकेंसी जो 6 साल 8 साल पुराने, जो कि हमारे यहाँ सीट अभी भी बहुत ही, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, गठबंधन की सरकार थी तब बहाली निकली थी, हाँ तो उसका श्रेय किसको जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज DLED का सेंटर पटना के कई जगहों पर है, ऐसे में दूर दराज से विद्यार्थी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो DLED की परीक्षा देने आए हैं। सीधा सीधा उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या क्या मांगे हैं उनकी, किस तरीके से फ़िलहाल जो रोज़गार निकाले जा रहे हैं उसको वो लोग देख पा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम प्रिय रंजन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? जो मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड के कुलहुआ पंचायत से हूँ। जी तो प्रिय रंजन जी, DLED के अभ्यर्थियों को किस किस तरीके की कठिनाइयाँ फ़िलहाल रोज़गार लेने में आ रही हैं? जी DLED चाहे BED दोनों विद्यार्थियों के कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे कि DLED और BED करके अपना CTET निकाल के अपना बच्चे लोग पास हो जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के कारण जो भी फिलहाल में जो कुछ वैकेंसियाँ, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि वैकेंसियाँ तो निकल रही हैं। जी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने दिया और नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने दिया, खर गठबंधन के सरकार में मिला तो खर उन्हीं की सरकार को ही दिया जाएगा, लेकिन वैकेंसी जो 6 साल 8 साल पुराने, जो कि हमारे यहाँ सीट अभी भी बहुत ही, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, वहाँ वैकेंसी अभी भी खाली चल रही हैं, जो वहाँ फुलफिल किया नहीं जा रहा है। जब वहाँ भरा रिक्त स्थान को भरा ही नहीं जा सकता है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं भरा जा रहा है, या सरकार को अगर खजाने में कमी हो रही तो उस पर आगे के जो और भी स्टेट में, जो जहाँ दिल्ली हो चाहे झारखंड हो, तो वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाया जा रहा है, जहाँ वहाँ से कर वसूल करके आगे के सरकार चलाया जा रहा है, तो उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बाकी रोज़गार के अलावा बातचीत करें तो सरकार का कामकाज कैसा है? जी सरकार का शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जब से के पाठक सर आए हुए हैं, जो हमारे महासचिव हैं, और तब से कुछ सुधार हुआ है। इससे पहले शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं था, पहले जब भी होता था टीचर का आना क्या है नहीं है, स्कूल का अर्थव्यवस्था समझिए कि टोटल ही दयनीय था। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि के पाठक का जो तानाशाही अंदाज है, जो रवैया, जो कड़ाई करके वो रखते हैं, वो ठीक नहीं है। जी के पाठक सर का तानाशाही रवैया सिर्फ एक ही जगह खराब है, जो भी पर्व त्यौहार है तो उसमें टीचर लोग को जो बुला दे रहे हैं उनके ही परिवार हैं, तो वो एक उनका खराबी नहीं, तो A to Z जो भी वो सिस्टम लागू कर रहे हैं वो सभी ठीक है। वहाँ पे स्कूल में टाइमली पहुँचना, चाहे स्कूल के बाद रिपोर्ट सबमिट करवाना, चाहे स्कूल में जो भी टीचर है टाइमली अगर नहीं आते हैं तो वहाँ पे जांच बैठ जाना, मतलब इसी हिसाब से ये सभी सिस्टम अभी ठीक चल रहा है। लेकिन एक ही है उनका, जो है कि कोई भी पर्व, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी का भी हो, तो उसमें छुट्टी जो सरकारी छुट्टी होता है तो टीचर लोगों को भी मिलना चाहिए। अच्छा, बातचीत करेंगे, जिस तरीके से गठबंधन की सरकार में नौकरियां मिली तो इस सरकार से उम्मीदें हैं कि नौकरियां मिलेंगी? और जी देखिए, सरकार जो भी आवे और सरकार जो भी आवे, जब सत्ता आने के, जब सट्टा पलट पलट पलटने के होता है उस समय ही कुछ रोज़गार को वो लोग देते हैं। 5 साल लोग वैकेंसी के इंतजार करते करते होता है तो लास्ट में जा करके कुछ हज़ार चाहे कुछ गिने चुने वैकेंसी को फुलफिल करते हैं, लेकिन जहाँ भी वैकेंसी खाली चल रहे हैं उस पर फुलफिल करना चाहिए सरकार को। चलिए, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष जी, सरकारी नौकरी की कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 2018 से कर रहा हूँ। 18 से? अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 21 साल है। जी तो आपको व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था तो अभी ठीक चल रही है। मान लीजिए अभी तेजस्वी भैया जो कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, या नीतीश सरकार जो भी कह रहे हैं, युवाओं को चाहिए रोज़गार, जो अभी बिहार में बुरी तरह से बहुत
गड़बड़ी चल रही है। अभी नीतीश कुमार जी जो है बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं, तेजस्वी भैया बोल रहे हम दे रहे हैं। अब इसमें चाहिए जो दिए हैं, अभी तो आगे रोजगार युवाओं को चाहिए। बिहार में तो पूरी तरह से रोजगार अभी नहीं मिल रहा है, जैसे यूपी में, यूपी अन्य टीचर के मामले में तो बहुत रोजगार दिए हैं, अन्य वैकेंसियाँ जैसे बिहार पुलिस का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। विद्यार्थी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पेपर लीक करवा देते हैं, और जैसे यूपी का भी एग्ज़ाम हम लोग दे पाए वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद बिहार में जो है ना राहुल गांधी जो को बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन आने के सत्ता के बाद ही पता चलता क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी सब सरकार बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि तेजस्वी भैया जैसे आए या युवा है वो युवाओं को रोज़गार देंगे। जहाँ तक अभी जो है जितना अभी शिक्षक मिला है भारत में बिहार में, वही इतना तो भारत में भी कहीं नहीं मिला है जितना भी सरकार बिहार में दिए हैं। एक सवाल बहुत बड़ा उठा कि देश भर से विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को बिहार में रोजगार के लिए रास्ते खोल दिए गए, तो सवाल उठा कि भाई डोमिसाइल नीति जो लाई गई वो नहीं लानी चाहिए थी, सिर्फ बिहार के बच्चों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। ये तो एक तरह से सरकार को सोचनी चाहिए क्या कि बिहार में तो बेरोजगारी का बहुत आवश्यकता है। जैसे अदर स्टेट जैसे यूपी और अदर स्टेट से दिए हैं, पहले बिहार के बच्चों को पूरा हो जाते उसके बाद दूसरे स्टेट को देते तो बहुत लाभदायक होता है। तो डीएलएड के बच्चों को क्या क्या समस्याएं? डीएलएड के बच्चों को हर साल तो एग्ज़ाम होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए जितना बच्चा तो सब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें कम बेस तो आगे पीछे होते रहता है, लेकिन इसमें जो प्राइवेट सो जो करते हैं उसको तो लगभग 1.5-2 लाख रुपया पड़ जाता है अदर स्टेट से करने में, और बिहार से जो करते हैं तो सरकारी से मान लीजिए 25-30 हज़ार में फाइनल हो जाता है। तो सब बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए पैसा पे भी बलबूते एडमिशन हो जाता है, गरीब का बच्चा तो सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, वो प्राइवेट से करते करते ऐसे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलने के बाद वो अपना छोड़ देता है, उसके पास पैसा नहीं हो उतना, इसलिए। क्या नाम है भैया आपका? रामबाबू कुमार। तो रामबाबू जी, डीएलएड के आप अभ्यर्थी हैं या किसी को परीक्षा दिलवाने आए? भाई का एग्ज़ाम दिलवाने। भाई का एग्ज़ाम दिलवाने। रोजगार को लेकर के फिलहाल सरकारों को कितना प्रतिबद्ध देख रहे हैं? रोजगार कम निकल रहा है सरकार बाहर। कम निकल जी। अच्छा, गठबंधन की सरकार थी तब बहाली निकली थी, हाँ, तो उसका श्रेय किसको जाता है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। इस सरकार से उम्मीदें हैं? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम अभी रोजगार देंगे। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जरूर भुगतेंगे। पेपर लीक का भी एक समस्या है, बच्चे एग्जाम देते हैं पेपर लीक हो जाता है, कहाँ गलती हो रही है? ऊपर से ही गलती है, सरकार का इसमें हाथ है। बिहार पुलिस का भी, हम भी एग्जाम दिए थे पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है जी। तो ये सब का समाधान क्या? समाधान तो जैसे जी आएंगे तो होगा, जरूर होगा इसका समाधान जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा लाल बीर शर्मा। तो आप परीक्षा देने आए हैं या दिलवाने आए? दिलवाने आए। आपको रोजगार की जो व्यवस्था फिलहाल दिख रही है कैसी दिख रही है भैया? फिलहाल तो मैं यहाँ रहता नहीं, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता। मुझे तो 2-4 दिन हुआ यहाँ, क्या है नहीं, तो मैं यहाँ रहता ही नहीं, तो जानकारी इतनी है नहीं मुझे यहाँ के बारे में। अच्छा, देश भर में रहते होंगे, देश भर में रोजगार की क्या स्थिति? देश भर में तो रोजगार तो होना ही चाहिए, लेकिन उतनी जो होना चाहिए उतनी तो है, हो नहीं रहा है। क्या केंद्र सरकार विफल है? विफल तो नहीं है, लेकिन कर रहे, लेकिन बाकी जो बैठे हुए राज्यों में वो लोग नहीं कर रहे हैं ना, वो भी तो नहीं कर रहे ना, सबकी अपनी अपनी होती है जिम्मेवारी, वो करते नहीं। केंद्र के भी और से रहेंगे तो राज्य के विकास नहीं हो सकते ना, राज्य के भी कोई जिम्मेवारी होती है, वो भी अपना करे, लेकिन वो तो करते नहीं। बिहार में हाल ही में बहालियाँ निकली, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इन चीज़ों के बारे में उतनी मुझे जानकारी नहीं है जो मैं बता सकता हूँ। मैं बताया नहीं आपको, मैं तो 2-4 दिन में से आया, क्योंकि 5 साल के बाद आया मैं, क्या आया वो इतना समाचार सुनते नहीं और नहीं देखते, हमें होता नहीं, तो मैं इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता मैं पूरा। तो आज डीएलएड की परीक्षा है, दूर दराज से लोग जो हैं वो पटना आए हुए हैं केंद्रों में परीक्षा देने के लिए, भारी समस्याएं, किसी को प्राइवेट से डीएलएड की तैयारी करनी पड़ रही है लाखों लाखों रुपए दे करके, तो वहीं कभी पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान सरकार ही करेगी। नौकरी की उम्मीदें अब भी तेजस्वी यादव से जनता
ज़्यादा लगा रही है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।